इस वक्त मैं पोलाची पहुंच चुका हूं। अभी बज रहे हैं रात के 12 और देखिए पूरा मारवाड़ परिवार एक साथ। आप सभी मारवाड़ी लोगों ने दर्शन दिए और बहुत ही बहुत धन्यवाद आपरा। क्या है मालूम? घर में चोरी हो गया हुआ है। अच्छा, उसको मालूम नहीं पड़ा है। गुड मॉर्निंग, अभी करीब सुबह के 7 बज रहे और पोलाची से लगभग 13-14 किलोमीटर दूर साइड में एक पेरुमल स्वामी जो माउंट टेंपल है वहाँ पर आए दर्शन करने के लिए। मारवाड़ी परिवार के भाई लोग भी है तो इनके साथ आए अभी यहाँ मंदिर दर्शन के लिए। यहाँ पर लगभग 200 के आसपास सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहाड़ी पे है। वो इतनी चढ़ान ऊपर चढ़ के यहाँ से देखिए चारों ओर का नज़ारा दिखना शुरू हो गए। कंटिन्यूसली सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, यहाँ तक सीढ़ियाँ हैं पूरी पत्थर से, पत्थर रख रख के बनी हुई है। आगे सीढ़ियाँ पक्की आ गई, इस पहाड़ को काट के बनी हुई पूरी, ऐसे लग रही बनाई हुई बट सिंगल स्टोन पे इस तरीके से सीढ़ियाँ देखने को मिल रही है। हो गर्मी हो गई सुबह सुबह। हाँ भाई जी, कैसा फील कर रहे हैं? फील बहुत खतरनाक है, पसीना बहुत ज़्यादा है, पूरा लथपथ हो गया पसीने से। हाँ थोड़ी स्टीप है। फाइनली पहुंच गए इन दुर्गम रास्तों से, ये आ गया मंदिर। 20-30 सीढ़ी और रहेगी, बस बढ़िया मंदिर पहुंच गए। ये कौन से भगवान का मंदिर है? ये राम जी का है, भगवान श्री राम जी का, भगवान श्री राम जी का मंदिर है। ओके, और यहाँ से इस तरफ का नज़ारा देखो, पूरे हिल टॉप पे पहुंच चुके हैं। और ये जो कोकोनट ट्रीज, नारियल वगैरह है, सुपारी है, बाकी अलग अलग फार्मिंग है, वो सब नीचे रह गए। देखिए कितने हाइट गेन की अपन ने। वाओ, और अपने दो भाई लोग हैं वो पीछे आ रहे हैं, नीचे रह गए थोड़े। ये मंदिर का नज़ारा। तो पूरा एकदम नेचर के बीच है, पहाड़ी के ऊपर ये छोटी सी लेक है, साथ ही साथ इन ग्रास के बीच में से इस तरीके से रास्ता बनाया हुआ है। और यहाँ पर एक दूसरा मंदिर है, गणेश जी भगवान का मंदिर, यहाँ पर आए हैं। और ये सामने छोटा सा कोई गांव है। इस तरीके सीधे बिना कोई स्टेप सीधे चढ़ते जाओ इन पहाड़ी के ऊपर। ये होल क्या? ये तो ऐसे ही ऐसे ही है क्या? मंदिर के पीछे का पहाड़ी की नज़ारा कुछ इस तरह। यहाँ पर प्रसाद में चावल मिलते हैं, प्रसाद रामदेव इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर शॉप। अभी अन्नामलाई नाम से गांव है वहां पर आए हैं। ये जो तमिलनाडु पोलाची का गांव है, नारियल में फेमस है, नारियल के लिए फेमस है। ओके, तो यहां पर ये हार्डवेयर शॉप है, यहां मारवाड़ी परिवार के साथ सुबह की चाय पी रहे हैं। और अभी अभी सुबह सुबह एक्सरसाइज हो गई और बढ़िया ट्रैक हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान श्री राम जी के। सोने की तलवार मिली थी, पहले की बात बोल रहे सब। एक और मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? नरसिंहमूर्ति मंदिर आनमलाई, पोलाची तालुका। अच्छा, पोलाची कृष्ण भगवान का मंदिर। अच्छा, और ये पहले पैर धो के अंदर चलना है ना, नदी का पानी से पैर धो के अंदर चलना। अच्छा,
प्रसाद में ही ये मिला यहाँ पर, इसको बोलते भंडारा है ना, सापाट यहाँ लोकल नेम। इसमें क्या क्या डिश में है? पोंगल, वड़ा, अच्छा कोरियल, सापाट, सांभर, पायसम। इसमें क्या बोलते? पायसम खीर, खीर है ना, पायसम। मारवाड़ में सराज चलते हैं, तमिल में पोर्टर से चलते हैं, वो हर शनिवार में हर भगवान के मंदिर में भीड़ रहता है, और शनिवार स्पेशल है, और प्रसादी की व्यवस्था होती है। कौन सा भी मंदिर हो, चाहे कृष्ण भगवान का हो, चाहे राम जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, कोई मंदिर के साथ मिलते हैं। ये आनमलाई मतलब नारियल के लिए और इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा एरिया है। मिर्ची मिर्ची बांटना है, जो किसी को घर में चोरी हो गया हुआ, अच्छा उसको मालूम नहीं पड़ा है, तो उसका उसका भगवान का पूजा करा के आप ये बावस को उसको ऊपर छाड़ना। अच्छा उस तो उसका शरीर सब चोरी किया, उसका शरीर खराब होगा, जलन लग जाएगा, जलन चल जाएगा, वो अपना आप आस बोलेगा मैंने चोरी किया वो। ओके ये इसको, अच्छा यहाँ यहाँ से सीधा प्रकोप रहता है, मिर्ची चढ़ा के लेके बता के उसको चढ़ाना। ओके तो जिसने चोरी की उसका पता चले, कर दो बोले कि उसे डाना, तो किसने चोरी किया वो अपना बोलेगा मैंने चोरी किया है। अच्छा उसे डाएगा आओ तो सुधार क्यों कर मुझे कौन, तो ये उसका पवित्र प्रसाद। अच्छा मासाणी अम्मन टेंपल आनमलाई। इस वक्त कन्हैया लाल जी के घर पे आए दोपहर का लंच करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, है आमंत्रित किया, बहुत अच्छी लगा। और सर जी है परवीन जी, आप भी से कब आ गए थे? चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, पूरे राजस्थानी जो मारवाड़ी संघ है अट्टे पोलाची में, आप सभी का तहे दिल से आभार, मान सम्मान आदर सत्कार और हौसला अफजाई करने के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद साहब। ठीक है दिनेश जी साहब, और ठीक है चौधरी जी, पाचा मिला गांधी साहब, महादेव जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मान।